नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। लातेहार और लोहरदगा जिले में पुलिस का लगातार सर्च अभियान जारी है। इसी कड़ी में आज पुलिस ने 5-5 लाख के 2 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। देखिए क्या कुछ इस पर कहा अभियान IG ने। उनके द्वारा जो ये कार्य किया गया है ये अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड है, हिस्टोरिक है और निश्चित रूप से क्षेत्र में जो उग्रवादी दस्ता कार्यरत था उसके लिए ये अभी तक के सबसे बड़ी चोट है। और ये अभियान जो है कि निरंतर चल रहा है। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा है, अभियान का कोई ना शुरुआत होती है ना अंत होता है। अभियान एक निरंतर प्रक्रिया है। जब तक जो हमारा संकल्प है उस क्षेत्र को नक्सलवाद की काली साया से मुक्त करने का, वो जब तक पूरा नहीं होता है उस क्षेत्र में अभियान चलते रहेगा। अभी जो भी शेष बचे हुए उग्रवादी है उनके खिलाफ लगातार संयुक्त बलों का अभियान चल रहा है और ये जारी रहेगा जब तक कि हम लोग उस क्षेत्र से इस दस्ते का पूर्ण रूप से इसका सफाया नहीं कर देते। अभी तक की सबसे अभूतपूर्व सफलता है नक्सलवाद के लड़ाई के खिलाफ। और मैं ये मानता हूँ कि इस तरह का जुझारू ऑपरेशन जो कि ऑफेंसिव पार्ट करीब 12 दिन 8 तारीख से 20 तारीख तक लगातार चलता रहा, हमारे जवान, बहादुर जवान, CRPF के, झारखंड पुलिस के, JJ के, सैट की टीमें, अन्य जवान, CRPF जनरल बटालियन के जवान, ये सभी लोग जिस बहादुरी से इस पर टिके रहे ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और इस तरह की जो ऑपरेशंस आगे भी चलती रहेंगी, मैं यहाँ पर खासकर बधाई देना चाहूँगा दोनों जो जिलों के SP हैं, प्रियंका मीना और श्री अंजनि, और इनके साथ में जो हमारे कमांडर्स हैं, इसमें पूरी टीम एक साथ लगी रही। उसमें चाहे थाना के सिपाही हो, चाहे थाना के पदाधिकारी हो, हमारे सब इंस्पेक्टर, हमारे ऑफिसर इंचार्जेस, हमारे DSP जो दीपक पांडे हैं उनका बहुत अच्छा रोल रहा है, हमारी सारी फोर्सेस के कमांडर, और इस पूरे अभियान को जो लगातार यहाँ से हेडक्वार्टर से जो लीडरशिप दे रहे थे हमारे दोनों IG साहबान, IG ऑपरेशन और IG CRPF, इनकी डायरेक्ट निगरानी में ये लगातार इतने दिन से ऑपरेशन चल रहा था और नीचे के हमारे कमांडर्स जो भी स्ट्रेटजी बन रही थी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो एक पूरी की पूरी टीम की तरह जो है ये काम हुआ है। आपने देखा कि कितनी भारी मात्रा में हथियार, इंसास राइफल, पिट्ठू, हैंड ग्रेनेड, तमाम सामान जो है नक्सलियों के बंकर से पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर बरामद किया है। एक तरह से कहीं ना कहीं अभियान IG ने बताया कि इन सब हथियारों का इस्तेमाल पेशरार जंगल में मुठभेड़ के दौरान भी किया गया हो। साफ तौर पर अभियान IG ने कहा कि अगर नक्सली मुख्यधारा से नहीं लौटते हैं तो उन्हें मार गिराएंगे। उन्होंने इस मंच से अपील भी किया नक्सलियों से कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत आप मुख्यधारा में लौटे, अगर नहीं लौटते हैं तो वह जंगलों में हमारे से मुठभेड़ के दौरान मार दिए जाएंगे। कैमरामैन संतोष कुमार के साथ समीर हुसैन, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।